क्रिस्पी कॉर्न्स खाना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन इसे बनाने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ख़राब होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि इसे बनाते समय आपका किचन पूरा गंदा हो जाता है या फिर आप पे तेल भी उड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इन सबका सोल्यूशन लेके आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो में पूरी डिटेल है, आप भी देख सकते हैं कि एक कॉर्न का दाना तक नहीं फूटेगा। ऐसी रेसिपी आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, साथ ही साथ बहुत ही यम्मी एक मसाला भी हम इसके साथ रेडी करेंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटपटे और यम्मी क्रिस्पी कॉर्न। हे फ्रेंड्स, मैं एक और रेसिपी लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। तो आज की रेसिपी आपने थंबनेल पे देख ही ली होगी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। तो क्रिस्पी कॉर्न्स बनाने के लिए ऑफकोर्स हमें लेने होंगे 2 कप के करीब स्वीट कॉर्न। ये हमेशा मार्केट में मिल जाते हैं, अगर ये फ्रेश वाले नहीं मिलते हैं तो आप इसे फ्रोज़न वाले भी ले सकते हैं। जो कॉर्न है उसका डबल हम पानी लेंगे, मतलब 4 कप के करीब पानी लेंगे। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। पानी को बॉयल करेंगे, पानी हल्का हल्का बॉयल होने लग जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। ये देखिए, नमक डालने के तुरंत बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्वीट कॉर्न को हमें पानी में अच्छे से बॉईल करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये कच्चा रह गया तो ये ऑयल में फूट सकता है और वो रिस्की हो सकता है आपके लिए, और किचन भी गंदा हो जाता है। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए लोग ये घर पर बनाना पसंद नहीं करते। बट अभी तो बाहर भी नहीं जा सकते, तो आपको मैं सारी यहाँ पर टिप्स भी दूंगी। देखिए, आप यहाँ पर स्वीट कॉर्न का कलर जो है एकदम ब्राइट येलो हो गया है, तो ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही साथ सारे के सारे दाने जो है फ्लोट कर रहे हैं, तो जब भी दाने पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएं आप समझ जाइए कि ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। लगभग 3 से 4 मिनट में ये हो जाता है, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, आप देखिए काफ़ी गर्म है, तो अभी हमें आगे की प्रोसेस नहीं करनी है इसमें, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने एक मसाला बना लेते हैं जब तक ये ठंडा होता है। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब भुना हुआ जीरा, साथ में हम लेंगे यहाँ पर चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर। हल्दी लेंगे हम कलर के लिए थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब, और साथ में लेंगे हम काला नमक टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सीधा आपको सिंपली इसे ग्राइंड करना है, एक बार अच्छे से घुमा लीजिए और ये देखिए इस तरीके का पाउडर फॉर्म रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटा मसाला बनेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्न के साथ आगे की प्रोसेस। तो ठंडा होने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी आटे वगैरह यूज़ करेंगे वो ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, कम से कम आटे में हमारा काम हो जाए, इसीलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, सूखा मैदा लेना है हमें, और लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ। मेजरिंग चम्मच नहीं बता रही हूँ, जो नॉर्मल चम्मच हमारे घर में होते हैं वही यूज़ करना है। और ये है चावल का आटा, ये भी हम 2 चम्मच के करीब पहले ऐड कर देंगे। ये देखिए, बाकी का मैं साइड में रख देती हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो हम ये भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैदा जो है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैदा अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटी का जो आटा होता है, नॉर्मल गेहूं का आटा, वो ले सकते हैं। और लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मैदा यूज़ नहीं करना है, कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लीजिए, बट ऐसा नहीं होता है। मैदे का काम होता है कि जो दाना है हमारा उसकी चारों तरफ एक कोटिंग रेडी करना, ये चावल का आटा भी नहीं कर पाएगा ना ही कॉर्नफ्लावर कर पाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आप मैदे की जगह पर मैदा या फिर गेहूँ का आटा ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने बाकी का जो इसमें आटा था चावल का वो भी ऐड कर दिया है। पानी डालना है, उसके बाद हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है, फिर आटा डालना है, फिर पानी डाल के इसको फिर से मिक्स करना है। इस तरीके से हम 2-3 बार ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा, अच्छे से इसके ऊपर एक आटे की कोटिंग बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। यहाँ हल्का सा नमक ऐड किया है मैंने, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉर्न के दाने हैं उनका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जैसे हम इसे लड्डू बनाएं तो ये लड्डू भी बन जाए, और वैसे ये खुले खुले भी रहने चाहिए। तो कोटिंग इसकी परफेक्ट होनी चाहिए इसे क्रिस्पी बनाने के लिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी ये रखने के लिए इसका कोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैदे की जगह और कोई आटे का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, या तो फिर गेहूँ का आटा।
चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सिंपली ऑयल अच्छे से पहले गरम कीजिए। अब आप चाहते हैं कि ये दाना फूट के आपके ऊपर ऑयल ना उड़े, तो उसके लिए एक सिंपल टिप बता रही हूँ कि पहले ऑयल अच्छे से गरम कर लीजिए। ऑयल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर लीजिए। लो पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और हमें इस तरीके से चम्मच की मदद से दाने इसमें ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके की प्लेट को ऐसे लगा लीजिए आप, ताकि जो छींटे हैं वो आपके ऊपर उड़ेंगे नहीं, अगर कोई भी दाना फूटता है तो। वैसे इस प्रोसेस में कोई भी दाना नहीं फूटेगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर कच्चे दाने दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की कोटिंग रेडी हुई है कॉर्न के जो दाने हैं उनकी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमने मैदा डाला है, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे जो क्रिस्पी कॉर्न है वो रेडी हो गए हैं, तो इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, जैसे हमारी मम्मी कहते हैं ना, पिंकिश हो जाएगा हल्का सा, वैसा कलर इसका रेडी हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि हमारे जो क्रिस्पी कॉर्न है वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो जब तक ये वाइटिश रहते हैं तब तक आप इसे बिल्कुल भी ऑयल में से मत निकालिएगा, नहीं तो ये आपको लगेंगे कि ये क्रिस्पी है, लेकिन जब आप इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएंगे नरम। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, करारी आवाज़ है। ये देखिए, है ना एकदम क्रिस्पी। और ये मैंने सारे क्रिस्पी कॉर्न फ्राई कर लिए थे, उसके बाद का ये वीडियो शूट किया था मैंने, मतलब कि आप थोड़ी देर बाद भी इसे अगर खाएंगे तो ये क्रिस्पी ही रहने वाले हैं। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सिंपली आप इसके ऊपर भी कोई भी चाट मसाला वगैरह ऐड करके आप इसे एज इट इज़ खा सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं खाना चाहते तो यहाँ पर एक छोटा सा इसका चाट बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मसाला हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने अंदर आटे के साथ कोई भी मसाले नहीं डाले, तो मसाले आप यहाँ पर अच्छे से ऐड कीजिए, जितना आप ऐड करना चाहते हैं उतने। यहाँ हरी मिर्ची और साथ में एक छोटी सी लाल मिर्ची भी मैंने डाली है कटी हुई, और यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज हैं, बारीक कटे हुए टमाटर हैं, लगभग दो दो टेबल स्पून के करीब लिए हैं मैंने। और यहाँ पर आपको जितना अच्छा लगे उतना आप धनिया ऐड कर सकते हैं, और इन सबको हम एक अच्छा मिक्स दे देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो प्याज टमाटर हमने डाले हैं ना, प्याज टमाटर ऐड करने के बावजूद भी आपके जो क्रिस्पी कॉर्न है वो क्रिस्पी ही रहेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैं ये खुद बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। ये प्रोसेस के लिए मैंने बहुत सारे ट्रायल्स भी किए हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि ऑयल किस सिचुएशन में स्प्लैश नहीं करता है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर उड़ता नहीं है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नींबू, और नींबू के बिना तो चाट का मजा ही नहीं आता है, तो नींबू डाल दिया। गलती से यहाँ पर एक बीज नींबू का गिर गया था, वो मैंने हटा दिया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, आप जिसमें चाहें सर्व कर लीजिए। यहाँ मैंने इसे सर्व कर लिया है, और साथ में ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके साथ नींबू की एक स्लाइस रखिए, अगर किसी को और ज़्यादा नींबू ऐड करना हो। साथ में मैंने थोड़ा सा ऊपर चीज़ डाला है, तो अट्रैक्टिव दिखता है, खाने में भी मज़ा आता है। चलिए, जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइए। मेहनत लगती है बनने में, तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं अगर रेसिपी पूरी देख ली है तो, शेयर भी कर दीजिए अगर किसी के काम आ सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।